नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपकी 16.3 के बारे में, जिसमें आपने पहला भाग कर लिया था। आज अपन इसका करेंगे दूसरा भाग। तो अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए, ताकि आपको दूसरा भाग भी अच्छे से समझ में आ सके। तो देखते हैं, इसके अपने पीछे क्लास में 6 सवाल कर चुके थे, आज अपन इसका करेंगे 7वां सवाल। तो देखते हैं 7वां सवाल है क्या। सबसे पहले दिया हुआ है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार क्या होता है, एक वर्त, यानी उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई आपको बतानी है। तो देखो, अपन सवाल में दिया हुआ वो लिख लेते हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है इसका आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। माना त्रिज्या मान लेते हैं R, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार कैसा होता है, देखो शंकु इस तरह से बना होता है। इसके आधार में होता है एक वर्त, यानी 3D देखेंगे तो नीचे क्या बना होगा, एक वर्त, यानी पूरा ऐसा वर्त है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होता है वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका 154। मान लेते हैं पाई का 22 वर्त है, 7 × r² तो कितना जाएगा, 154। आर स्क्वायर को इधर रखो, 22/7 को इधर ले जाओ, तो यानी 22 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 22 कितना होता है, 154। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 49। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो रूट का 49, यानी अपने पास आर बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। अब अपने को पूछा क्या था, त्रिज्या नहीं पूछी थी अपने को, तो पूछा है सिर्फ ऊंचाई बतानी है, सीधी ऊंचाई जो है वो बतानी है, ठीक है। तो उसके लिए अपने एक सूत्र निकालते हैं। देखो, ये अपने पास सूत्र है, देखो तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या है, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमेशा ऐसे लिखते हैं, इस स्क्वायर को हटा के, यहाँ देखो स्क्वायर को हटेगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। इस बार अपने को निकालना है एच स्क्वायर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो एच स्क्वायर इधर आएगा, सॉरी आर स्क्वायर इधर आएगा, इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये एन रूट के अंदर रख देते हैं, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ पे मान लेते, एल का मान कितना है आपको दिया हुआ है 25, 25 का स्क्वायर माइनस आर का मान अभी निकला है 7 का स्क्वायर, यानी 49 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर यानी 49 होगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 49, 625 में से 49 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 576, और 576 किसका मान होता है 24, यानी आपके पास आगे शंकु की ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर। देखो आपको दोबारा से बताते हैं, यहां पर आपको देखो शंकु का आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ ये रहा, ठीक है, और साथ में आपको देखा है शंकु की तिरछी ऊंचाई दे रखी है, और पूछा क्या है, सीधी ऊंचाई पूछा है, सिर्फ ऊंचाई मतलब सीधी ऊंचाई। तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इसका आर का मान त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। आपको कहा है अगर जो भी क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका सूत्र लगाओ, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी वर्त का क्षेत्रफल होता है, आधार होता है एक वर्त, उसका क्षेत्रफल निकाल के अपने आर का मान निकाले, त्रिज्या की 7। अब 7 त्रिज्या लेके अपने को क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। तो ऊंचाई के लिए क्या किया, देखो इसका रूट हटाया तो इधर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब अपने को तो एच का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर को इधर लाए तो माइनस में, अब ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो वापस क्या बन जाएगा, रूट, तो इसके अंदर मान रखे और अपने मान निकाल लिया तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं 8वां सवाल, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पहले सवाल को अच्छी तरह समझिएगा, फिर अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो दिया हुआ है, दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, दो शंकुओं का व्यास क्या है, समान है, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, यानी उनके तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 5:4। यदि छोटे शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बड़े शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखो आपको ये दिया हुआ है, दो शंकुओं का
आधार का व्यास समान है, ठीक है। तो आपने मान लिया, माना उनकी त्रिज्या, यानी दोनों की त्रिज्या क्या मान ली, आर, दोनों की त्रिज्या मान ली आर। अब उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात, तो देखो माना पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई अब देखो पहले आपको क्या कहा हुआ है, ऐसा अनुपात दिया तो अनुपात में सी मान है, तो इसको मान लिया तिरछी ऊंचाई 5x, ठीक है। और दूसरे शंकु का क्या मान लेंगे, दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या मान लेंगे 4x। अब देखो आपको दिया छोटे वक्र, छोटे शंकु का वक्र प्रस्थीय, अब छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, त्रिज्या देखो दोनों में समान है तो त्रिज्या से पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब आपको कहा है देखो इससे कहा हुआ है दोनों की त्रिज्या तो बराबर है, देखो ये इसकी इतनी त्रिज्या है, उधर वाले की इतनी त्रिज्या है, ठीक है। लेकिन इसकी ऊंचाई कितनी है, एक बार के लिए मान लेते हैं ये 5 पहला अनुपात और ये 4, तो देखो जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगी वो बड़ा हो गया और जिसकी कम है वो छोटा है, तो देखो 4 वाला क्या है छोटा, तो अपन लिखेंगे छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, कितना दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने क्या करते हैं इसका सूत्र लगा के और इसका मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है पाई आर एल, ठीक है, ये है 400, इससे अपन मान निकाल लेते हैं आर का, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया 400 बटे ये दोनों आएंगे पाई और साथ में एल आएगा, एल की जगह अपन क्या रख सकते हैं, यहां एल आएगा, देखो एल की जगह अपने लिया हुआ है 5x, इसको समीकरण एक के यहां छोड़ दिया। अब देखो दूसरे का लेंगे, ठीक है, इसके लिए एल वन लिया, ठीक है, यहां लिखेंगे बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके लिए क्या सूत्र लगाएंगे पाई आर एल टू, आर तो दोनों में समान है, यहां पर मान लेते हैं पाई, आर की जगह मान रखेंगे आर की जगह, देखो समीकरण एक से मान रखेंगे आर की जगह पर रख देते हैं 400 बटे पाई इंटू 5x और इंटू सॉरी ये छोटे का था तो छोटे में कितना है 4x, छोटे वाला है 4x और यहां रखेंगे ये 4x आएगा और ये 5x, ये देखो क्यों आया ऐसा, आपको क्या है छोटे वाला लेना है तो छोटे वाले के लिए क्या लिखेंगे r l2 लिखेंगे, यहां l1 आएगा, ऐसा क्यों हुआ देखो आपको क्या कहा है छोटे शंकु का वक्र बस, ये छोटा कौन सा है जिसका अनुपात कम है, ये वाला छोटा है, इसलिए यहां पे क्या रखा है यहां l2 की जगह 4x रखा है और ये बड़े वाला इसलिए यहां पे गुणा में क्या रखा है 5x, ये l2 की जगह पर l1 की जगह रखा है, इससे क्या हुआ देखो x से x कट गया, पाई से पाई कट गया और ये देखो 4 से ये कटा कितनी बार 100 बार और 100 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बड़े वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपको सीधा सा दिया दोनों शंकु का व्यास बराबर, व्यास है तो त्रिज्या भी बराबर होगी, तो दोनों की त्रिज्या मान लीजिए, अब दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ था 5 अनुपात 4, तो पहले की तिरछी ऊंचाई 5x और दूसरे की 4x, ध्यान रखें जिसकी तिरछी ऊंचाई क्योंकि दोनों की त्रिज्या तो बराबर है तो त्रिज्या से पता नहीं लगेगा कौन सा बड़ा छोटा है, लेकिन तिरछी ऊंचाइयों से पता लग जाएगा जो बड़ी है, देखो ये 5 है और ये 4 है तो ये वाला बड़ा है ये छोटा है, तो छोटे वाले का आपको दे रखा है देखो छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय 400 दे रखा है, इसका अपन सूत्र लगा कि आर का मान निकालिया, अब बड़े वाले का लगाया उसके अंदर वही आर का मान जो पहले निकाला था वो रख दिया, इससे अपने क्या आ जाएगा बड़े वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये था एक महत्वपूर्ण सवाल। इसके बाद देखो इसका अगला सवाल दिया हुआ है नवा सवाल, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है, फिर से अनुपात दिया है देखो तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात दिया 7:4, यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 792 वर्ग सेमी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसकी आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो देखो जो सवाल में पहले दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, शंकु की तिरछी ऊंचाई
वह त्रिज्या का अनुपात 7:4। अपन देखो यहां पर अनुपात से मानेंगे, माना तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई क्या मान ली इसके 7 है तो 7x, ठीक है, और त्रिज्या बताओ त्रिज्या क्या मानेंगे, देखो यहां 7x था, पीछे त्रिज्या है, देखो पहले तिरछी ऊंचाई लिख रही थी है, तो पहला इसका अनुपात है, दूसरी त्रिज्या है तो दूसरा इसका अनुपात है, तो कितना आ जाएगा 4x, दोनों के अनुपात लिखे। अब आपको दिया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 792 cm². अब आपको पता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, और ये दिया हुआ है 792। मान रख देते हैं पाई की जगह 22/7, आर की जगह कितना रखना है अपने को 4x, और एल की जगह कितना रखना है 7x, बराबर कितना आया 792। अब देखो अपन क्या करते हैं, यहां पर x और x क्या हो जाएगा x2, बाकी सबको इधर भेज दो, तो 792 देखो ये x था ये x था मिलके क्या हो गया x2, बाकी सभी संख्या को इधर भेज देंगे, जो इधर बट्टे में वो इधर भाग में है वो इधर गुणा में चला जाएगा, बाकी ये 22 × 4 × 7 ये क्या आएंगे, ये देखो यहां पे आएंगे गुणा में, तो 7 से 7 कट गया, चाहे यहां भी काट सकते थे, 22 इससे कट जाएगा, 22 × 3 = 66, ठीक है, और 22 × 6 = 132, ये 4 से कटेगा 9 बार, तो x² बराबर कितना आ गया अपने पास 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा नोट 9, तो x बराबर आ गया अपने पास 3 सेमी, x का मान है अभी 3 सेमी। अब अपने को क्या निकालना है, त्रिज्या, त्रिज्या में क्या माना था अनुपात में साथ में x लगाया था, तो देखो 4 और x की जगह क्या रख देंगे, जो मान निकला है 3, ये 4 तो आपको रखना ही था x का, यानी ये दोनों गुणा में थे, तो x की जगह मैंने 3 रख दिया, तो 4 × 12 cm त्रिज्या आ गई अपनी, यहां x बराबर आ गया था 3, ठीक है, और यहां पर त्रिज्या बराबर कितनी आ गई 4 को, जो भी x आया उसका मान रख के और इन दोनों को आपस में गुणा कर दो, आपके पास त्रिज्या का मान आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखो इतने में पूरा हो गया, सीधा आपको देखो तिरछी ऊंचाई अनुपात दे रखा था, अनुपात से आपने दोनों मान लिया, तिरछी ऊंचाई और त्रिज्या मान ली, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा इसका मान रखा, x को एक तरफ रखा, इसे x का मान निकाल लिया, और त्रिज्या के अंदर साथ में मान रख के इसका गुणा कर दिया, ये था इसका 9वां बहुत ही सिंपल सा सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, ये देखो क्या दिया हुआ है, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि। अब देखो ये शंकु के आकार का मान लो कोई टेंट लगा हुआ है, ठीक है, इसका आधार ये होता है, ठीक है, आधार हमेशा क्या होता है जिसके ऊपर वो टिका हुआ हो, तो आधार क्या है ये है, आपको दिया हुआ है आधार की परिधि, यानी ये जो आधार है इसकी परिधि। अब आधार किस आकार का आपको पता है वृत्त, और वृत्त की परिधि आपको दे रखी है 44, इसके अंदर के वायु का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी सीधी सीधी बात है शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो जो चीज आपको दे रखी है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है, टेंट के आधार की परिधि, परिधि आपको दे रखी है 44 मीटर। देखो परिधि आपको दी हुई है, साथ में सबसे पहले लिखा था 9 मीटर ऊंचे, यानी आपको इसकी ऊंचाई भी दी हुई थी, आपको पता है वर्ग की परिधि, सूत्र लगा देते हैं, वर्ग की परिधि का सूत्र क्या होता है, देखो 2πr, यहां पर मान लिया माना त्रिज्या, अब आपको पता है 2πr होता है, इसका मान आपको दे रखा है 44, और यहां रख देते 2 × 22/7 × r, अपन यहां r इधर रख लेते हैं, बाकी संख्या इधर रख लेते हैं, 44 × 7/2 × 22, ये देखो 7 इधर भाग में था इधर जाएगा गुणा में, 2 और 22 इधर गुणा में इधर आएंगे, तो भाग में 22 से कम 22, 22 × 44, 2 से 2 कट गया, r बराबर आ गया 7 सेमी, यानी अपने पास त्रिज्या आ गई 7 सेमी। अब अपने को निकालना क्या है इसका आयतन, तो आयतन के लिए आपको पता है शंकु का आयतन का क्षेत्रफल क्या, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो होता है बेलन का,
ध्यान रखना, एक बटे तीन लगाते हैं तब बनता है शंकु का, तो अच्छी तरह ध्यान रखें, एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच, इसके अंदर मान रख देते हैं, देखो एक बटे तीन पाई की जगह 22 बटे सात इंटू आर की जगह कितना है 7 × 7 इंटू नौ, ऊंचाई कितनी है 9, तो देखो एक सात से सात क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तीन से ये तीन बार कट हो जाएगा, बाकी ऊपर गुणा कर लो, 22 को 7 से गुणा करके 3 से कर लो, या 7 को 3 से किया 21, 21 को 22 से गुणा कर लो, 21 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी क्यूब आयतन है, इसलिए क्या लगाएंगे क्यूब लगाएंगे। तो ये सिंपल सा देखो यहां बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बस यहां पर आपको थोड़ा सा इसने क्या दिया उलझाने के लिए आधार की परिधि दे दी ना कि सीधी त्रिज्या दी है, तो परिधि अपने को यूज में लेना है त्रिज्या निकालने के लिए, ठीक है, त्रिज्या जैसे निकल जाएगी सीधा आयतन का सूत्र लगा के ऊंचाई दी हुई है सीधा मान निकल जाएगा, तो उस टेंट में कितनी हवा का आयतन क्या आ गया टेंट में हवा का आयतन, तो टेंट के अंदर हवा का आयतन बराबर 462 सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखा मीटर क्यूब है क्योंकि सारे के सारे मान किस में दिए हुए मीटर में, तो सेंटीमीटर नहीं आएगा ध्यान रखें, या मीटर क्यूब ही आएगा, सभी मान देखो मीटर में दे रखे हैं, तो ये भी क्या आएगा या त्रिज्या भी किस में आएगी मीटर में, थोड़ा सा ये ध्यान रखें, अगर सारे मीटर में तो अपन भी क्या लिखेंगे मीटर में ही आएगा, सेंटीमीटर गलत हो जाएगा यहाँ, तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये था अपना एक सिंपल सा सवाल, इसके बाद देखो अब वाला सवाल है थोड़ा सा लेवल हाई हो गया है, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आएगा। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, आपको दिया एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, एक शंकु के आकार का बर्तन है ठीक है, ये इसकी जो त्रिज्या है वो 10 है और ये जो ऊंचाई है इस तरह की ऊंचाई वो 18 है, सीधी ऊंचाई दे रखी है, सिर्फ ऊंचाई लिखा है सीधी ऊंचाई ठीक है, यह पानी से पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है ठीक है, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलाकार बर्तन में उलटा जाता है, इस पानी को क्या है ये एक बेलाकार बर्तन है ठीक है, इसकी त्रिज्या अलग है तो ऊंचाई भी अलग होगी, ध्यान रखना तो इसकी त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है ठीक है, इसके अंदर ये पानी है वो सारा सारा इसके अंदर डाल दिया, तो आपको बताना है पानी की ऊंचाई क्या होगी, कितना ऊंचाई तक पानी जाएगा, तो पानी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, तो ये अच्छी तरह ध्यान रखें इस सवाल में, ऐसा सवाल में क्या होता है इसमें जितना पानी है वो पानी इसमें जाएगा तो दोनों जगह पानी का आयतन समान रहेगा, ये आपको शुरू में भी बेसिक में समझाया था, जब एक चीज जो पानी से भरी हुई हो मिट्टी से भरी हुई हो हवा से भरी हो अगर दूसरी चीज में डालेंगे तो आयतन उसका उतना ही रहेगा, तो अपन क्या करेंगे इसका आयतन बराबर करेंगे, तो देखो सवाल में पहले जो दिया हुआ वो लिखेंगे ठीक है, शंकु की त्रिज्या ठीक है, इस त्रिज्या को अपन लिखते हैं R1 से बराबर है 10 सेंटीमीटर ठीक है, और इसकी ऊंचाई है उसको लिखते हैं H1 से जो है 18 सेंटीमीटर ठीक है, उसके बाद है बेलन की त्रिज्या जिसको अपने माना है R2 जो है 5 सेंटीमीटर ठीक है, और माना बेलन की ऊंचाई या तल की पानी के तल की ऊंचाई कुछ भी लिख सकते हैं जो है H2, अब पर्सनल अनुसार पानी उसमें उलटा जाता है तो अपन क्या कहेंगे शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, या शंकु में पानी का आयतन बराबर बेलन का बेला का बर्तन में पानी का आयतन, दोनों का आयतन बराबर है, दोनों का आयतन का सूत्र रख देते हैं, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देखो R1 H1 रखना है, इसके अंदर रखना है पाई आर स्क्वायर, देखो इसमें 1/3 आता है, अब क्या करना है इसका मान रखना है सीधा सीधा, तो इसके बाद देखो अपन H2 का मान निकाल दिया, H2 को ऐसी रखेंगे ये संख्या जैसे जैसे पड़ी रहने दो, देखो 1/3 यहां इसके ये आर पाई है पाई पड़ा रहने दो इंटू R1 का स्क्वायर इंटू H1 ये ऐसे कैसे रहने दो, अब देखो आर ये इधर आएगा तो पाई इसके बट्टे में आएगा, ये इसके H2 के गुणा में था ना, जो H2 के गुणा में था वो इधर भाग में आएगा और R2 का स्क्वायर, इससे पाई से पाई क्या हो गया कट हो गया, अब इसका मान रख देते हैं अपन H2 का निकालने के लिए, देखो तो यहां R2 का मतलब कितना है, R1 का मान अपने 10 है तो 10 × 10
और H1 का मान है वो है 18, यहाँ बट्टे में 3, ये देखो 3 पहले ही, और इसका मान है 5 × 5, तो इसको कर देते हैं 5 × 5, ये इससे कटेगा 2 बार, इससे भी कटेगा 2 बार, ये 3 इससे कटेगा 6 बार, तो 6 × 12, 12 × 2 = 24 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई इसकी ऊंचाई। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या है, इन दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि मान लो अगर इसके अंदर 10 लीटर पानी आता है तो इसके अंदर भी कितना आएगा, 10 लीटर ही पानी आएगा, तो पानी का आयतन चेंज नहीं होगा, इसीलिए अपन क्या करते हैं आयतन बराबर वाला सूत्र लगा के और इसका एस का मान निकालेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आयतन का सूत्र कब लगाना है और कब इसको बराबर करना है, ये चीज अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है तो फिर आप इस तरह का कोई भी सवाल आता है उसको आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, जिसके अंदर आपको दिया है 14 सेमी भुजा के एक घन में बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो शंकु को काटा है तो कुछ भाग अलग कर दिया तो आयतन बराबर नहीं है, अदरवाइज अपन आयतन बराबर कर लेते हैं। लेकिन आपको ये कहा है, एक बार मान लेते हैं घन इस आकार का है, ठीक है, ये वर्ग नहीं है घन है, 3D आकृति है, इसको बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, इसकी 14 सेंटीमीटर भुजा है, मतलब ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 और ये भी 14, इसको मान लो शंकु इस तरह से काटा गया है, इस तरह से एक शंकु काटा गया, बड़े से बड़ा ये शंकु काटा जा सकता है, ठीक है, इस तरह से नीचे वाले। वैसे तो घन क्या होता है, देखो इस तरह की आकृति होती है घन, ध्यान रखना, ये 3D में थोड़ी इस तरह से अपन बनाने की कोशिश करते हैं इस तरह से। अब इसके अंदर से शंकु काटा है तो ये मैंने इसको दिखाने के लिए इस तरह से बनाया है, ठीक है। तो आप देखो ये शंकु का नीचे 14 सेंटीमीटर क्या हो गया, व्यास हो गया, और 14 इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी, ठीक है। तो अपन ये लिखते हैं घन की भुजा 14 सेमी, ठीक है। अब उसके बाद लेते हैं चित्रानुसार, देखो चित्र के अनुसार यानी घन की भुजा बराबर शंकु का व्यास और शंकु की ऊंचाई, ये भी उसकी उतनी है। तो देखो अपने पास वीडियो किसके बराबर आ गया, 14.5 सेंटीमीटर है, तो अपन निकाल लेते हैं शंकु की त्रिज्या, 14/2 = 7 सेंटीमीटर, और शंकु की जो ऊंचाई है वो आप निकाल लिया है, शंकु की ऊंचाई आपने पहले ही जो कितनी है आपने देखा है 7 × 14 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई में कोई चेंज नहीं आएगा, देखो ऊंचाई तो 14 ही रहेगी, ये यहां से ऊंचाई निकालो तो वहां से निकालो 14 ही रहेगी। अब आपको निकालना क्या है, शंकु का आयतन, तो यहां सूत्र लगा देते हैं सीधा, अब तो समझ में आएगी, अगर शंकु का आयतन का सूत्र लगाना है 1/3 πr²h, तो 1/3 × π का मान रखेंगे 22/7, × 3 का मान 7 × 7, और × h का मान कितना है 14, तो ये 1 7 से 7 कट गया, बाकी इन सब की गुणा कर लो और बट्टे में 3 लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। देखो पहले तो करते हैं 22 × 14 = 7 कितना होता है 98 को 22 से गुणा कर लो, 98 को गुणा किया 22 से, 8 × 16, 9 × 18 और 1 × 19, ये आ गया 6 5 1 2 2156, 2156 है बटे 3 लगाना, 2156/3 ये आ गया 21, इसमें 3 का भाग कर दो, 7 × 21, 3 × 3 2 6, 8 × 24 2 × 6 = 7 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है इसकी। इसमें देखो 3 का भाग किया तो ये आ गया अपने पास 718.67 सेंटीमीटर क्यूब। देखो सिंपल सा सवाल था, आपको घन की भुजा देखो इसमें क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से बढ़ा के देख लेना है, जिससे घन का व्यास भी 14 हो जाएगा और घन की ऊंचाई भी 14 हो जाएगी, व्यास से अपन त्रिज्या निकाल लेंगे जो व्यास की आधी होती है और शंकु की ऊंचाई तो उतना है, फिर अपने आयतन का सूत्र याद है, आयतन का सीधा सूत्र लगा के उसका मान निकाल लेंगे। तो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा और महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल शंकु का, ये बहुत ही देखो इसमें सारे के सारे सूत्र एक सवाल में काम आ जाएंगे। तो देखो सिंपल सा सवाल है, शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमश 7 और 24 सेंटीमीटर है, यानी आपको त्रिज्या भी दी है ऊंचाई भी है, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन, सभी चीजें आपको ज्ञात करनी है। तो देखते हैं इसको शुरू करते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ठीक है, शंकु के आधार की त्रिज्या त्रिज्या को अपन लिखते हैं R से जो कितनी है बराबर है 7 सेंटीमीटर,
ठीक है, और इसकी ऊंचाई है जिसको अपन लिखते हैं h से, वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मान ज्ञात करते जाओ। सबसे पहले तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई को इससे लिखते हैं l से, जिसका सूत्र होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। मान रख देते हैं इसका r का मान कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है, l बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले तिरछी ऊंचाई आ गई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा लगाते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय सूत्र होता है पाई आर एल। इसका मान रख देते हैं पाई आर एल, तो अपन मान रखते हैं यहां पे पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह कितना रखना है, अपने को दिया हुआ है आर की जगह 7 और एल की जगह अभी अभी निकाला है 25। ठीक है, इससे एल 7 से 7 कट गया, 22 को 25 से गुणा कर लेते हैं कितना जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो 22 को 25 से गुणा किया, सीधा सीधा सूत्र लगाया, मान रखा है 22 को 25 से गुणा किया तो कितना है, 550 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। मान रख देते हैं 22/7 इंटू 7, ये आ गया 25 प्लस 7। देखो एल का मान कहीं 25, ये 7 से 7 फिर कट गया तो कितना आ जाएगा, 22 इंटू 25 और 7 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 32। अब 22 को 32 से गुणा कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 32 × 64 6, 32 × 64 और 6 कितने हो गया, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सीधा सूत्र लगाना, उसके अंदर बार रखते जाना है। उसके बाद सबसे लास्ट में देखते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र भी आपको याद है क्या होता है, 1/3 πr² h आता है, बाकी में l आता है, इसमें क्या आएगा, h। मान रख देते हैं 1/3 × π की जगह 22/7 × 7 × 7 और h की जगह कितना रखना है, आपको पहले ऊंचाई दी रखी थी 24, ये 24 रखा, तो 7 से 1 7 कट गया, 3 से 1 कटेगा, 8 × 3 = 24। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 7 को 8 से गुणा करते हैं, 8 × 7 = 56, 56 को 22 से गुणा कर लेते हैं, 56 को गुणा कर लेते हैं 22 से, ये आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी, आयतन है तो क्यूब लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। सेंटीमीटर स्क्वायर कब आता है, स्क्वायर तो आता है क्षेत्रफल में, बाकी में क्यूब आता है, और सिर्फ वो तिरछी ऊंचाई है तो सिर्फ सेमी लगाएंगे। देखो सिंपल सा सवाल था, आपको शंकु की त्रिज्या भी दे रखी थी, ऊंचाई भी दे रखी थी, पूछा क्या था, सबसे पहले तिरछी ऊंचाई, वक्र पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय और आयतन, तो सबसे पहले अपन तिरछी ऊंचाई निकाल लेते, क्यों, क्योंकि आगे सूत्र में भी काम आएगी। तो सबसे पहले देखो तिरछी ऊंचाई का सूत्र लगाया, l बराबर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसका मान रख के अपने निकाला 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25, ये निकाल लिया। उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाया, दोनों के मान पता थे, पहले निकाल लिया था 25, इसका मान रखा और अपने पास ये आ गया। उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगाया, पाई आर एल प्लस आर बराबर, इससे अपने क्या पास आ गया, मान रख के सीधा गुणा किया तो अपने पास आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद आयतन का सूत्र लगा, इसके बाद आयतन का मान आ गया। तो देखो वैसे देखा जाए तो शंकु के जो सारे सूत्र थे एक बार रिवाइज भी हो गए इस सवाल में, ठीक है, और सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि इसमें सारे के सारे कवर हो गए। इसके बाद देखते हैं इसका अंतिम सवाल, ये थोड़े से ज्यादा हाई लेवल का है तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप इसको वैसे ही रह जाएगा जैसे आपके पहले बिल्कुल भी दिमाग में नहीं था, वैसा ही रह जाएगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपना बंदरी पर्सनली को भी काम में लेंगे तो वो भी आपको चीजें ध्यान में होनी चाहिए। तो देखते हैं सवाल को क्या दिया हुआ है, एक त्रिज्याखंड की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, एक त्रिज्याखंड दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और कोण 120 है, इसकी सीधी कोरों की सीधी कोरों को संपाती करके एक शंकु बनाया गया। देखो इसको कैसे आपको मैं समझाता हूं, इसको इस तरह से एक त्रिज्याखंड था, ठीक है, इस तरह से इसी को त्रिज्याखंड बोलते हैं, ठीक है, एक त्रिज्याखंड था जिसका कोण था 120 डिग्री, ठीक है, और इसकी त्रिज्या थी 12 सेंटीमीटर, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, पूरा वर्त बना देते तो ये इसकी त्रिज्या होती, ठीक है। इसको क्या करके फोल्ड करके एक इस तरह से शंकु बना दिया गया है,
ठीक है, इसको ऐसे मोड़ा तो ये एक शंकु बन गया, जैसे अपन कागज को कोरों को संपत्ति करके एक शंकु बनाया गया, इससे एक शंकु, इसको देखो ऐसे मोड़ा तो एक शंकु बन गया, ठीक है। इस शंकु का आपको आयतन ज्ञात करना है। अब ये देखो 12 सेंटीमीटर थी ना, ये 12 सेंटीमीटर शंकु के लिए क्या बन गई, तिरछी ऊंचाई। ये क्या है, तिरछी ऊंचाई। ये कोण 120 था, अब इसमें 120 नहीं रहा, इससे अपन क्या निकाल लेते, ये लंबाई, ठीक है। ये लंबाई कोई मोड़ के यहां गोल बनाया गया, जैसे ये इतनी लंबी थी इसको मोड़ के गोल बनाया गया, तो ये लंबाई ये क्या रह जाएगी, इसकी परिधि, इसके लिए क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। ये लंबाई क्या है, तो सबसे पहले अपने को जो दे रखा है वो लिख लो, त्रिज्या खंड की त्रिज्या बराबर 12 सेमी, ठीक है। और इसका कोण है यानी थीटा बराबर आपको दे रखा है 120 डिग्री। अपन क्या निकाल लेते हैं, इसके चाप की लंबाई, इसको चाप बोलते हैं। अब चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, परिधि से निकलता है देखो 2 पाई आर थीटा बटा 360, तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई रहने दो एक बार, ठीक है, आगे कट जाएगा ये। आर की जगह कितना रखें, चाहे तो पाई की जगह पाई रख सकते हैं, चाहे 22/7 भी रख सकते हैं। और आर की जगह कितना है 12, और थीटा की जगह 120/360, जो मान कट रहे वो कट दो, 12 एकम 12, 12 3 36, 3 से 3 एकम 3, 4 3 12, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 पाई आ गया ये सेंटीमीटर। अब यानी इसका जो ये चाप की लंबाई है वही इसकी परिधि बनी हुई है। देखो सीधी तार थी, इसको ऐसे मोड़ा तो ये गोल बन जाएगा, ठीक है, इसका ये मतलब परिधि। तो अपन ये क्या लिखेंगे, चित्रानुसार या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चाप की लंबाई बराबर शंकु के आधार का आधार की परिधि, आधार की परिधि, इसका मान कितना है 8 पाई, और शंकु के जो आधार होता है उसका क्या होता है 2 पाई आर, शंकु की जो परिधि है उसका सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। तो अपने क्या किया, इससे आर का मान निकाला, आर निकालेंगे तो 2 पाई इसके भाग में आ जाएगा, ठीक है, इसका प्रमाण निकाल लेते हैं। ये चित्र आपको समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं। ध्यान रखना ये इसकी तिरछी ऊंचाई के लिए काम में आएगा, थोड़ा सा पहले यहां कर लेते हैं। तो इससे अपन आर का मान निकाले तो आर क्या हो जाएगा 8 पाई बटे 2 पाई, इसीलिए देखो पाई रखा था, पाई से पाई यहां कट गया, ये इससे कट गया तो 4 आ गया, यानी आपके पास आ गया आर बराबर 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। आपके पास त्रिज्या का मान है और तिरछी ऊंचाई है, लेकिन आयतन के लिए क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई के लिए आपको सूत्र पहले ही बताया था, h बराबर क्या होता है l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, ठीक है, l को स्क्वायर को इधर ले जाते हैं तो r स्क्वायर इसके माइनस में, तो l का मान कितना है जो पहले निकाला था 12, और ये 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 16, कितना बचेगा 144 माइनस 16 जाएगा, तो 144 में से 16 जाएगा तो ये बचेगा 8 2 1 128, जिसको अपन लिख सकते हैं 8√2, क्यों, क्योंकि 128 को लिख सकते हैं 64 × 2, 128 को लिख सकते हैं 64 × 2, और 64 का वर्गमूल होता है 8 और √2 में रह जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये आ गई अपने पास क्या आ गई, ये आ गई अपने पास ऊंचाई, किसकी, शंकु की ऊंचाई। अब शंकु की ऊंचाई है तो अब शंकु का आयतन अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो शंकु का आयतन का सूत्र, सॉरी शंकु का आयतन ज्ञात करना है तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 का 1/3, पाई की जगह कितना रखना है 22/7 इंटू आर की जगह 8√2 इंटू 8√2, और ऊंचाई आपको अभी सॉरी ये तो ऊंचाई है, त्रिज्या है अपने पास, शंकु की जो त्रिज्या निकाली थी ये त्रिज्या 4 × 4 × 8√2। देखो ऊपर ऊपर वाला संख्या की गुणा करेंगे और नीचे क्या हो जाएगा, देखो 7 × 21, अब इसको गुणा करते हैं 22 को 4 से गुणा करेंगे 22 × 88, 88 को 4 से गुणा करेंगे फिर 8 से, यानी 8 × 32, 32 को 88 से गुणा कर देते हैं, 88 32 8 × 16 असल लगी 16 और 1 17, 8 × 24 असल लगी 2 8 × 24 25 26, तो ये आ गया 6 7 4 11 8 2,
ये आ गया 2816 इंटू अंडर रूट 2 का मान कितना होता है 1.414। अब इसको इससे गुणा करके फिर 21 का भाग करें तो देखो इसका भाग करेंगे तो 189.61 कितना आएगा। इसको देखो 2816 को 1.414 से गुणा करके फिर 21 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 189.16 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। इसलिए इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको त्रिज्याखंड की त्रिज्या और कोण दे रखा है, इससे आप चाप की लंबाई निकालेंगे और जो चाप की लंबाई है वो इसके लिए क्या बन जाएगी, परिधि। उस परिधि से अपन निकालेंगे आर का मान पहले, क्योंकि ये जो चाप की लंबाई है वो परिधि के बराबर है शंकु की, ठीक है। इसको बराबर रख के इसका आर का मान निकाल लिया। आर का मान आपके पास है तिरछी ऊंचाई पहले से ही। अब ये जो त्रिज्या थी शंकु त्रिज्याखंड की, वो अभी शंकु की क्या बन गई, शंकु के लिए तिरछी ऊंचाई, उससे आपने निकाल लिया एच का मान। एच का सूत्र आपको याद है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इससे एच का मान निकालिए, एच और आर का मान पता है, फिर आयतन का सूत्र लगा के सीधा गुणा करके भाग करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका अंतिम सवाल। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ 16.3 आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और आज की क्लास कैसी लगी आपको, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।